हेलो, नमस्कार। आज हम बनाएंगे मोटा दलिया, है ना? तो ये गेहूं का दलिया है, इससे भी मोटा आता है और ये मिडिल वाला है। तो ये देखिए, हम है ना एक कटोरी लेंगे और उसी से ही अपना नाप करेंगे हम, है ना? ये देखिए, तो मैंने एक कटोरी दलिया ले लिया है ये, और ये जनरली मोटा दलिया है जो मार्केट में अवेलेबल है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है। तो इस मोटे दलिए के फायदे क्या हैं, क्योंकि इसमें है ना चौकोर वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और गुड फॉर हेल्थ होता है। इसको आप है ना दो तीन तरीके से बना सकते हैं। तो पहले है ना इसको हाथ से रगड़ लें। ये देखो, हम धोएंगे नहीं इसको, हाथ से रगड़ लें अच्छे से, और रगड़ने के बाद में इसको फटक लें ऐसे करके, है ना? मैं फटक रही हूँ ना, ऐसे फटक लें तो इसमें से है ना डस्ट निकलती है थोड़ी सी, है ना? गंदा है जो भी है, वैसे तो साफ ही है पैकेट का। ये देखिए, इसमें से है ना थोड़ी सी डस्ट टाइप की निकलती है, तो उसको है ना क्लीन कर लें, है ना? तो मैंने क्लीन कर लिया है। अब हम एक मोटे पैदे का कुकर लेंगे या पैन लेंगे, उसमें है ना 2 स्पून घी डालेंगे। जीरा डाला है और काली मिर्ची है, ये जीरा काली मिर्ची और एक लौंग। अब हम है ना दलिया डालेंगे इसमें। ये देखिए, अब इसको है ना चलाएंगे हम, है ना? इसको भूनेंगे। चलाने का मतलब है इसको भूनेंगे अच्छे से। तो इसको है ना भूनते भूनते है ना 3-4 मिनट तो लग ही जाएंगे स्लो कुकिंग में, है ना? और है ना लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक है ना हम इसको है ना रोस्ट करेंगे। पहले ये वाइट वाइट दिखने लगेगा और फिर है ना ये ब्राउन दिखने लगेगा थोड़ी देर में। सबसे पहले तो ये वाइट वाइट दिखने लगेगा, वाइट चावल होते हैं ना ऐसे दिखने लगेगा। ये देखिए, अब ये हुआ नहीं है, लेकिन आप इस टाइम भी है ना इसको पानी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा है ना और होने दूंगी, जब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे। हम इन्हें इतना गुड़ लेंगे, ये देखिए, है ना? तो गुड़ को मैंने है ना पानी में भिगो लिया है। ये देखिए, पानी में डालने से क्या रहता है ना, भीग जाता है वो, और इसको है ना हम छान के डालेंगे। ये देखिए, गुड़ हमारा भीग गया और मैंने छान लिया है। अब हमें ना जिस कटोरी से हमने दलिया लिया है उस कटोरी कटोरी के माप से ही हमें ना गुड़ और शक्कर लेंगे। तो मैंने कि आधा कटोरी तो मेरा ये गुड़ हो गया है और आधा कटोरी हम शक्कर लेंगे। कहने का मतलब है जितना हमारा दलिया है उतना ही हमें ना गुड़ या शक्कर लेंगे, है ना? आप शक्कर से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गुड़ डालते हैं तो थोड़ा सा हेल्दी वर्जन में रहता है। देखिए, जीरा हेल्दी है, काली मिर्ची हेल्दी है और लौंग हेल्दी, है ना? और है ना जब ये फ्राई हो जाता है ना अच्छे से भुन जाता है तो ये छोड़ देता है। ये देखिए, करचुली छोड़ देगा ये अपने आप। देखो गिर रहा है ना, ये तो इसका एक साइन है कि ये हमारा परफेक्ट दलिया भुन गया है। ये देखिए, ये छूट रहा है, पैन छोड़ दिया उसने। केवल मैंने 2 ही स्पून घी डाला है। ये देखिए, अब हमने जिस कटोरी से है ना हमने दलिया दिया था ना, एक कटोरी, 5 कटोरी भर के है ना आप डाल दीजिए। 5 कटोरी भर के है ना इसमें पानी डाल दीजिए, है ना? 5 कटोरी भर के, और है ना इसको कुकर को बंद कर दीजिए और पिंच नमक डाल दीजिए। पिंच डालना है, अगर आपको सॉल्टी बनाना है तो इस टाइम है ना आधा स्पून है ना नमक डाल दीजिए। चूंकि मैं मीठा बना रही हूँ फिर मैं 1 पिंच ही इसमें नमक डाला है, और सीटी लगा दीजिए। ये देखिए, और इसको है ना 1 सीटी आने तक इसको है ना वेट करेंगे, और फिर है ना स्लो कुकिंग में इसको ना 3 सीटी आने तक पकाएंगे। ये देखिए, स्लो कुकिंग में 3 सीटी हो गई है, वो दलिया हमारा कुछ ऐसे दिखेगा। ये देखिए, ये फूल गया है बहुत। ये देखिए, और इस टाइम है ना अगर आप नमकीन बनाना चाह रहे हैं तो नमकीन दलिया आपका रेडी है। ये इसको दाल से खा सकते हैं, दूध से खा सकते हैं, 2 स्पून शक्कर डाल के इंडिविजुअली। ये देखिए, दलिया हमारा हो गया है। अभी इसमें एक कनी और बाकी है ना? जब हम हेल्दी वर्जन में बना रहे हैं तो थोड़ा सा है ना प्रोसेस और है। अभी है ना हम इसमें है ना गुड़ डालेंगे। ये देखिए, अभी गुड़ है उतना, आधा कटोरी गुड़ है, सिरप है ये, और आधा कटोरी ही हमारा शक्कर है ना। तो आप शक्कर को स्किप कर सकते हैं या गुड़ को स्किप कर सकते हैं, मैं दोनों डाल रही हूँ। ये देखिए, और है ना कम भी डालेंगे तो भी चलेगा। अब मैंने शक्कर डाल दी है, ये देखिए, और है ना गुड़ का सिरप भी डाल दिया। ये देखिए, पानी में भिगो के डाला है, छान लिया है मैंने, ताकि कोई कचरा या डस्ट रहे तो वो निकल जाए। अब हम इसको चलाएंगे। ये देखिए, तो जो गुड़ है और शक्कर का पानी है ना, तो ये गीला हो जाएगा थोड़ा सा,
है ना, मतलब जैसे हम मतलब गीला गीला हो गया ये, अब हम है ना इसको फिर से है ना हम इसको पकने देंगे। चाहे तो आप सीटी लगा लीजिए, चाहे स्लो कुकिंग में होने दीजिए, माने कि शक्कर घुलने दीजिए और दलिया में मिलने दीजिए। ये देखिए, या तो आप कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और एक विसल आने का वेट करिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। ये देखिए एक सीटी लगा ली है मैंने, ये देखिए खिला खिला है ना दलिया हमारा बन के रेडी है। ये देखिए है ना, जो जिसको खिला खिला चाहिए तो ये रेडी है हमारा, है ना। एक मैंने नमकीन वाला बताया था और ये हमारा मीठा वाला दलिया खिला खिला बन के रेडी है। इसको आप ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं। और घी डाल के, चूंकि मैं एक प्रोसेस और करूंगी इसमें, ये देखिए हमारा मीठा दलिया बन के रेडी है ना। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नारियल लेंगे, सूखा नारियल है जी, बादाम है, और इसको कीस लें या कट कर लें, मैंने कीसा है, कट किया है। और ये है ना नारियल का मिल्क पाउडर है, ये देखिए नारियल का दूध है, कहने का मतलब है कच्चा नारियल होता है ना उसका दूध निकाल लीजिए। और एक कटोरी है ना ये मिल्क है, ये देखिए एक कटोरी है ना इसका कोकोनट मिल्क पाउडर मिल्क है, और एक कटोरी एक गिलास है ना दूध है। तो हम है ना कोकोनट मिल्क डालेंगे पहले, अब इसको है ना चलाएंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने कि मिला देंगे इसको, ये देखिए मैंने मिला दिया है, ये देखिए है ना। अभी हमको है ना फ्लेम हाई रखना पड़ेगा अभी, और इसको चलाइए अच्छे से, है ना। ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखिए है ना, बहुत ही हेल्दी दलिया है ये। कई कई जगह इसको लप्सी बोलते हैं, लेकिन हम लोग है ना और हमारे घराने में ऐसे ही बनाते हैं। अब मैंने है ना ये मिल्क डाला है ना, चाहे गरम दूध डाल दीजिए, चाहे है ना फ्रिज का डाल दीजिए, ये फटेगा नहीं। अब इसको है ना जल्दी जल्दी चलाएंगे, ये देखिए एकदम से जल्दी जल्दी चलाना है, नहीं तो हमारा दूध है ना फटने का डर रहता है। ये देखिए जल्दी जल्दी गैस फ्लेम हमारा हाई रहेगा, और इसको हम कंटिन्यूअसली चलाएंगे फास्ट जल्दी जल्दी। ये देखिए तो ये मिल गया है पूरा हमारा, दोनों दूध मिल गए हैं, कोकोनट मिल्क और मिल्क दोनों मिल के रेडी हो गए हैं। ये देखिए और इसको है ना बॉईल आने दीजिए, तक है ना हम इसको बॉईल करेंगे, है ना। एक बॉईल आ जाएगा तब हम इसकी गैस स्लो करेंगे। ये देखिए अब हम डालेंगे इलायची पाउडर, ताजा फ्रेश कुटी हुई इलायची है ये देखिए है ना, चार पांच इलायची डाल दीजिए आप। ये देखिए अब हम है ना नारियल किसा हुआ डालेंगे, ये देखिए नारियल डाल दिया है मैंने और बादाम डाल दिए, दोनों पहले बादाम डाले हैं अब नारियल डाल दिया है, ये देखिए है ना। और किशमिश है आपके पास वो भी ले सकते हैं, जो भी नट्स हैं आपको पसंद हैं वो सब ले सकते हैं, ये देखिए। और ये हमारा दलिया है ना कुछ इस टाइप का दिखेगा, है ना। अभी इसमें ये हमारा रेडी हो गया है, अब हम एक और प्रोसेस करेंगे, क्योंकि इसमें ना बघार देंगे। ये देखिए घी गरम करेंगे हम, 3 स्पून 4 स्पून, इसमें है ना आधी कटोरी भी घी आप डाल सकते हैं। मैंने पहले इलायची डाली है और ये नारियल के फ्लेक्स डाल दिए हैं मैंने, और अब हम मैंने एक मुट्ठी भर के है ना इसमें किशमिश डालेंगे। ये देखिए इसको चला दीजिए, थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाए, ज्यादा जलाना नहीं है, और हम किशमिश डालेंगे एक मुट्ठी भर के। ये देखिए एक मुट्ठी भर के हमारी किशमिश हो गई है, ये देखिए। और इसको है ना स्पून से चला दीजिए, टर्न कर दीजिए, ताकि अच्छे से ये हो जाए। ये देखिए ये हमारा ना रोस्ट हो गए हैं ड्राई फ्रूट्स, और अब हम इसमें पलट देंगे, ये देखिए, और इसको है ना ढक देंगे, इसको मिला दीजिए और ढक दीजिए। ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही अच्छा बन के रेडी हुआ है। प्रेग्नेंट वुमेन है, आफ्टर डिलीवरी है, बहुत अच्छी रेसिपी है, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही हेल्दी है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट्स में ये बन जाता है। सारी चीज़ें अगर हमारी रेडी हैं तो फास्ट फास्ट हो जाता है ये, और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए सबसे अच्छी, इससे अच्छा ब्रेकफास्ट हो नहीं सकता। बहुत ही हेल्दी है ये, बहुत ही हेल्दी है ये, देखिए। और हमारा दलिया बन के रेडी है, हम दलिया ही बोलते हैं इसको। और इससे पहले भी मेरी रेसिपी है, वीडियो में देख सकते हैं, मैंने हल्दी भी डाली है उसमें और जिंजर पाउडर भी डाला है। अगर ज़्यादा सर्दी है तो हल्दी और जिंजर पाउडर डाल दीजिए, ये गार्निश कर दीजिए कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट से, ये देखिए। और आप केले फ्रूट डाल सकते हैं इसके ऊपर कट करके, है ना, मैंगो है, सीजनल फ्रूट जो भी होते हैं,
है ना, केला है जैसे, पपाया है और मैंगो है। अभी मेरे पास केला है और तो मैं केले से है ना गार्निश कर रही हूँ। वो केले से बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इसका, और इसकी इसकी है ना न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत बढ़ जाती है और बहुत ही हेल्दी है। ये देखिए, आप केले कट करके डाल दिए, बच्चे हैं तो आप लंच बॉक्स में भी इसको रख सकते हैं और ऑफिस भी ले जा सकते हैं। वो दलिया, मीठा दलिया बन के हमारा रेडी है, हमारे घराने में ऐसे ही बनाते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।